हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड सी 209 का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक स्टोन्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टोन के बारे में ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो जनरल मटेरियल है, ये वो मटेरियल है जो बिल्डिंग्स में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और जोधपुर साइड के रहने वाले हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन है वो स्टोन के हो रहे हैं, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, और जो लोकल अवेलेबल मटेरियल होता है वही हमें सस्ता पड़ता है और वही हमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टोन हमारे लिए यूं इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बनती है, रोड्स आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाहे वो कॉन्क्रीट रोड हो चाहे वो बिटुमिनस रोड हो, तो स्टोन ओवरऑल आपके काम आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो सब टॉपिक इसका है मेन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। देखिए, स्टोन को ओवरऑल हमने तीन तरह का क्लासिफिकेशन किया, एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा जो है वो केमिकल क्लासिफिकेशन। जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, देखिए जियोलॉजी का जहां पर भी आप जियोलॉजी वर्ड पढ़े, GEOLOGI या LOGY, जहां पर भी जियोलॉजी आप वर्ड पढ़े, जियोलॉजी का सिंपल सा अर्थ होता है जमीन के अंदर, यानी जमीन के अंदर जो चीज मौजूद है, जो रॉक्स मौजूद है, वो दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल पार्ट। तो इस जियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा फिजिकल, यानी कोई भी रॉक यदि है तो वो फिजिकली यानी हमें भौतिक रूप से कैसा दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और केमिकल, उसके अंदर यानी उस रॉक के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है, इसके हिसाब से भी हम रॉक्स को बांट सकते हैं। तो ये तीन मेजर क्लासिफिकेशन है जिसमें से मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह का किया हमने, पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। बड़ी सिंपल सी बात है साहब, कभी भी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो इग्नियस रॉक होती है, वो इग्नियस रॉक बेसिकली क्या है कि जमीन के अंदर, जब ऐसा मान्यता है कि पृथ्वी जब बनी तो एक आग का गोला था, और आज भी अगर हम इसके कोर की बात करें, यानी अर्थ की पूरी जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर के पास एक बहुत बड़ा जो दायरा है वो कोर का है, और हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर आज भी जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में है, गैस में गैस और मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो जब भी कभी कोई भी हॉट मैग्मा बोले तो लावा, कोई वॉल्केनो फटता है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी कोई भी फटता है, या नॉर्मल वे में कोई भी वॉल्केनो जमीन से बाहर आता है, तो या जमीन के बाहर ना आकर के जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उनके ठंडा होने की प्रक्रिया के बाद जो रॉक बनती है वो रॉक हमारी इग्नियस रॉक कहलाती है। और दूसरी, अब ये इग्नियस रॉक बेसिकली तीन तरह की होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बाद में बताऊंगा। दूसरे टाइप की रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, अब ये जो इग्नियस रॉक यानी प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ लावा के ठंडे होने से, वो इग्नियस रॉक बनी। अब इसी इग्नियस रॉक में क्या होता है कि किसी भी कारण से, चाहे रॉक एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट करती है तो फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े हो जाना, या फिर इसी रॉक का हवा, पानी, बर्फ या बारिश, किसी और कारण से, किसी भी कारण से, ऐसी वेदरिंग एजेंसीज के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये एक बार टूट जाती है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो टूट जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल इन्हीं एजेंसीज यानी हवा, बारिश, पानी के साथ जो है हमारा बह जाते हैं, और बह करके ये सेडिमेंट होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है, और फाइनली उनके डिपोजिशन से जो हमारे पास रॉक तैयार होती है, सब हजारों लाखों साल लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए इसको ऐसे मत समझिए। तो जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब ये इग्नियस यानी इग्नियस और इग्नियस से बनी सेडिमेंट्री, और मजेदार बात यह है कि ये ही दोनों टाइप की रॉक्स यदि हाई हीट अर्थ के अंदर हाई हीट और हाई प्रेशर झेलने लग जाए, यानी किसी एक पॉइंट पर ऐसा हो कि बहुत हाई हीट मिले उसे और हाई प्रेशर मिले, तो ये दोनों टाइप की रॉक, चाहे इग्नियस हो या फिर वो सेडिमेंट्री हो या फिर दोनों टाइप की रॉक्स हो, ये बदल करके, इनकी प्रॉपर्टीज बदल करके एक नई टाइप की रॉक बन जाती है, और वो नए टाइप की रॉक कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री टाइप की जो रॉक्स होती है उन पर, उनको हाई हीट और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में उनकी नेचर चेंज हो जाती है, और इस कारण से हमारा जो है एक नई टाइप की रॉक बनती है और वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। थैंक यू।